इस समय प्राथमिकता मेरे या आपका सही या गलत होने से ज्यादा वैद्य की तकलीफ दूर होने की है। लगा दीजिए उठी मन की आह सुनो रे प्रभु जी करो सहाय राहन कोई सिवा तुम्हारे दया करो रघुराय प्रभु जी करो सहाय प्रभु जी करो सहाय। घाव घने सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए भोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए प्रभु जी करे सहाय प्रभु जी करे सहाय धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए प्रभु जी करे सहाय प्रभु जी करे सहाय कल्याणी तुम यहां क्यों बैठी हो तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना ये बुखार तुम्हारे बुखार भी उतर गया सिर्फ बुखार ही नहीं उतरा है अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ लेकिन वैद्यों ने तो कहा था कि तुम्हारा बचना नामुमकिन है और ये तुम्हारे गांठ उसका तो अब नामो निशान भी नहीं है लेकिन ये सब हुआ कैसे साई की कृपा से हमने कहा था ना साई ही वहीनी को ठीक कर सकते हैं याद है कल रात जो उदी लगाई थी आपने वहीनी को ये उसी का चमत्कार है सच में हे भगवान मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई साई को समझने में पहले साई की महानता पे शक किया और उनका अपमान भी किया फिर भी साई ने मेरी मदद की भाऊ मैं अब भी साई से माफी मांगना चाहता हूं साई परम दयालु है आप साई की महानता पर शक करते रहे और वो आप पर अपनी कृपा बरसाते रहे आपको पछतावा है तो जाकर उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं अपने मन में उनका नाम ले लो वो सुन लेंगे ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए बात ये अनोखी हमको साई सिखाए भीख यही साई चरण में ओम साई राम कुछ नहीं मांगे साई के सिवाय ओम साई ओम साई, ओम साई, ओम साई ओम।
साई साई हमें क्षमा कर दीजिए साई। किसको दोस्तों, अपनी मूर्खता को, अपने अहंकार को या अपने दुर्भाग्य को, जो आपको समझने में, आपको जानने में इतनी देर कर दी, जिसे राख समझा वही संजीवनी बन गई। कल्याणी के साथ साथ मेरे मन का रोग भी दूर कर दिया आपने। इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो ईश्वर पर विश्वास करे या अंधविश्वासों पर। ईश्वर पर विश्वास हो तो वो विश्वास अटूट होना चाहिए। परिस्थिति से उसमें बदलाव नहीं आ सकता है। और जो ऐसा विश्वास हो तो मनुष्य हमेशा सत्य की राह पर ही चलता है। वो विश्वास उसकी शक्ति बन जाता है किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। और अंधविश्वास वो तो कमजोर आस्था, कमजोर मन का प्रतीक है, क्योंकि वो असत्य है। वो इंसान को दुर्बल बनाता है और किसी भी परिस्थिति से हारने पर दुर्बल मनुष्य अपने अंधविश्वास को ही अपनी हार का कारण मान लेता है। इससे नुकसान सिर्फ उस मनुष्य का ही नहीं होता, बल्कि उनका भी होता है जो इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार कर अंधविश्वास को ही सच मानने लगते हैं। बाबा, आपने हमारी परिवार की इतनी मदद की और मैं जानता हूं आपकी यह कृपा निस्वार्थ है, लेकिन जीवन में कभी भी किसी भी समय आपके काम आ सकूं तो मैं समझूंगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। बाबा जी, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। हाँ सही, कहिए ना। तुम्हारे परिवार से मुझे कोयले की एक सिगड़ी चाहिए। मेरे परिवार से सिगड़ी? लेकिन साईं, मेरा गांव तो बहुत दूर है। मैं आपको अभी एक नई सिगड़ी लाके देता हूं। नहीं नहीं बाप्पा जी, पुरानी। मुझे तुम्हारे परिवार से ही वैसी सिगड़ी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे पास वैसी सिगड़ी हो। साहिब, शायद मेरी आई के पास एक सीढ़ी हुआ करती थी, लेकिन अभी है या नहीं मैं नहीं बता सकता। तो फिर जाकर पता करो, ढूंढो उसे। लेकिन साहिब, वो सीढ़ी तो बहुत पुरानी हो गई होगी और मुझे नहीं लगता कि वो किसी काम की भी होगी। मैं आपको नई सीढ़ी लाकर देता हूं ना। नहीं, मुझे वही सीढ़ी चाहिए। बाप्पा जी, जब मुझे कोई चीज नहीं मिलती तो मैं द्वारका माई की सफाई करने लग जाता हूं, और उस सफाई में ऐसी कई खोई हुई चीजें मिलती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है साईं, मैं आज ही अपने गांव जाऊंगा सिगड़ी लाने के लिए। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काका जी जल्दी बाहर आइए। प्रणाम मुखिया जी, आप यहाँ? ये आए नहीं, इन्हें मैं लेके आई हूँ। वहिनी, कल रात की हरकत के लिए मैं आपसे माफी। काका जी, मैं आपको माफ भी कर दूँ, लेकिन आपकी इस बेटी ने जो किया है ना, उसे मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या किया इसने? इसने कल मेरे बेटे की बारात का रास्ता काटा और आज मेरा बेटा बुखार से तप रहा है। नई नवेली दुल्हन की विदाई भी रुक गई। क्योंकि मेरा बेटा एक पल के लिए भी उठ नहीं पा रहा है बिस्तर से। काकी, मैंने कुछ नहीं किया। तू तो चुप ही रह। भगवान के लिए बहनी, मेरी बेटी पर ऐसे आरोप मत लगाइए। ये संयोग भी हो सकता है। संयोग? एक बार हो तो उसे संयोग कहा जाता है, बार बार हो तो उसे क्या कहेंगे आप? जवाब नहीं सूझ रहा है ना? अब इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी लड़की सुलक्षणा कुलक्षिणी है। कुलक्षिणी? इसकी परछाई भी इसकी तरह ही अपशगुनी है। हाँ वहिनी, सही कह रही हैं आप। हाँ, एक बार इसने मेरे बगीचे में एक फूल को हाथ लगाया और वो कुछ दिन बाद पौधा ही सूख गया। जब मैं परीक्षा देने जा रहा था तो सुलक्षणा ने मेरा रास्ता काटा, तभी तो मेरे इम्तिहान अच्छे नहीं गए थे आई, और मैं अगली कक्षा में नहीं जा पाया। सही कह रहा है बेटा तू। अगर ऐसी लड़की गांव में रही तो अशुभ पे अशुभ होने वाला है। अब एक ही उपाय है कि इस लड़की को गांव से बाहर कर दिया जाए। ताकि ये किसी का रास्ता ना काटे और इसका साया भी किसी पे ना पड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा था ये आपने। इसकी वजह से कब किस पर मुसीबत टूट पड़े और कब किसी पर आफत आ जाए, क्या पता। वही नहीं, अपने बेटे की नजर उतरवाओ। अरे जो लड़की अपने होने वाले पति को निगल गई, तो आपका बेटा किस खेत की मूली। लक्ष्मी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ठहरो मुखिया जी, सालों से आई सत्य श्रृंगी की सेवा की है मैंने। पूरे वणी गांव के घरों में पूजा पाठ किया है, सबकी उन्नति चाही है मैंने, सबके भले की कामना की है मैंने। फिर मेरी बेटी के साथ ये लोग ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? इन्हें कहिए कि मुखिया जी, इनसे कहिए कि ये अपनी अपशगुनी बेटी को लेकर इस गांव से निकल जाए। आओ बच्चों। Thank you.
आज तो तुम्हारी परीक्षा थी ना? जी साईं। साईं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कितने अंक मिलेंगे मुझे परीक्षा में। साईं, मुझे तो लगता मुझे शून्य मिलेगा। मेरे तो जितने भी अंक आए, आई यही कहेगी कि इतने कम कैसे है और पढ़ाई क्यों नहीं की। फल खाओगे? तीसरा सवाल तो मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ, 10 बार पढ़ना पड़ा मुझे, मैं भी उसका उत्तर नहीं लिख पाया। ये लो। बच्चों, हर सवाल का जवाब हमें पता हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इससे निराश नहीं होना चाहिए। ये तो एक संकेत है हमारे लिए कि अभी हमें और सीखना है और जानना है। अच्छी शिक्षा वही है जिसका उद्देश्य किसी को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि सबको आगे बढ़ने का हौसला देना हो। अपनी कमियों का सामना कर उन पर विजय पाने का रास्ता दिखाना हो। ये तो सबको समझना होगा कि असफलता का मतलब हार नहीं होता है। काका जी, आप आई सप्तशृंगी मंदिर के पुरोहित हैं। मैं नहीं, पूरा वणी गांव आपकी इज्जत करता है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि सुलक्षणा सच में आप शकुनी है या नहीं, लेकिन मुखिया होने के नाते मैं किसी एक परिवार के लिए गांव के सारे परिवारों को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। चूंकि अधिकांश लोग आपकी बेटी को इस गांव में देखना नहीं चाहते, इसीलिए उसे ये गांव छोड़कर जाना होगा। मुखिया जी, रहम कीजिए हम पर, सुलक्षणा कहाँ आ जाएगी? इन सब के लिए मेरी बेटी जिम्मेदार नहीं है। जो भी आरोप उस पर थोपे जा रहे हैं वो निराधार है मुखिया जी। क्या किसी के पास कोई सबूत है कि मेरी सुलक्षणा अपशकुनी है? अगर यही बात आपसे कही जाए तो क्या प्रमाण है आपके पास कि आपकी सुलक्षणा अपशकुनी नहीं है? सिद्ध करके दिखा दीजिए आप। लेकिन कैसे? सुलक्षणा की शादी करा दीजिए। अगर लड़के को कुछ नहीं होता तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। और हाँ, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा आपके साथ, इसलिए मैं आपको इस काम के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूं। मुखिया जी, आपने कहा कि आप अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन ये न्याय भी तो नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 महीने में या तो शादी हो जाए इसकी, या तो फिर इसे गांव के बाहर भेजने की तैयारी कीजिए आप। हमें किस मुसीबत में डाल गए? पहले तो पूरे गांव ने हमारे सुलक्षणा को अपशगुनी कह के बदनाम किया, अब कह रहे हैं कि शादी करा दो। कैसे होगी इसकी शादी? <आ, laughs>
मेरे रुकने से तो फिर वही हुआ है जिसका मुझे डर था। मेरे आई बाबा को फिर से एक मुश्किल में डाल दिया है गांव वालों ने। फिर वो फकीर बाबा का आना, मुझे रोकना, उसे क्या फायदा हुआ? आई सप्तशृंगी है ना, वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी। वो जरूर हमारी मदद करेगी। आई पता नहीं भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, फिर मेरी सेवा का मुझे ये फल क्यों मिल रहा है? क्यों इतने दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे आई? क्यों ऐसी तकलीफ सहनी पड़ रही है मुझे? ना मन शांत है, ना मेरा घर। मैं तो फिर भी ये सब सह लूं, लेकिन सुलक्षणा ने क्या अपराध किया है? उसके जैसी नेक दिल लड़की तो सारे गांव में नहीं मिलेगी। फिर क्यों वो इतनी तकलीफ झेल रही है आई? मैं यहां सवाल करने नहीं आया हूं आई, समाधान लेने आया हूं। जिस तरह मैं अपनी संतान की पीड़ा नहीं देख सकता, उस तरह आप भी अपनी संतान की पीड़ा नहीं देख सकती। और अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा आई, जब तक मेरी पीड़ा से निकलने का रास्ता नहीं दिखा देती आप। बाबा के पास जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी मन शांति और गृह शांति का स्रोत वही है। नमस्तस्य 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 नमो नमः।